out. If you ignite him, he's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day, leave the bones clean. I feed him all the hate and he grows mean. He gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling this war. Never getting bored, loves the blood and gore. Always wanting more, feed him from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the... हेलो गाइस, दिस इज मनोज भंडारी. वेलकम बैक टू माय चैनल फिटनेस फ्रीक. और आज है समर शेडेड प्रोग्राम का सेकंड डे और जिसमें मैं करूंगा वर्कआउट बैक, ट्रैप्स एंड बाइसेप्स. ठीक है, तीनों को एक साथ ट्रेन करना है. और उसके साथ जो मैंने स्पेशल जो आपके लिए प्रोग्राम में डाला है, कार्डियो का प्रोग्राम डाला है, फैट लॉस का, वो इसके साथ करना है. जैसे आपका सेट खत्म होता है, ऑन द स्पॉट पे आपको 20 सेकंड कार्डियो करना है. और कार्डियो में आप कोई भी एक्सरसाइज ले सकते हो, जंपिंग जैक, हाई नीज, माउंटेन क्लाइंबर्स, किक बैक, कोई भी एक्सरसाइज ले सकते हो. और इसको वहीं पे तुरंत परफॉर्म करना है. उसके बाद आप 30 सेकंड का रेस्ट लोगे और उसके बाद आपको सेट करना है. हर सेट में थोड़ा थोड़ा सा वेट इंक्रीज करना है. थोड़ा सा वेट मतलब हैवी स्ट्रेंथ है ये, तो स्ट्रेंथ में थोड़ा सा हैवी वेट लिफ्ट करना है आपको, जिसकी आप जितनी आपकी एबिलिटी है. तो पहले हम वार्म अप करेंगे और उसके बाद सीधा वर्कआउट. तो गाइज, पहले मैं वार्म अप कर रहा हूँ और वार्म अप करना ज़रूरी है. और वार्म अप से हमारा क्या है, बॉडी का थोड़ा सा अच्छा मतलब टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है और जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो भी अच्छी तरह से खुल जाती हैं. और जब अच्छी तरह से खुल जाती हैं, ब्लड का फ्लो अच्छा होने लग जाता है और मसल में, तो वो ऑक्सीजन को ज़्यादा मतलब सप्लाई करता है मतलब ब्लड में. ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है वार्म अप अपने जॉइंट्स की मोबिलिटी के लिए. जॉइंट्स भी अच्छी तरह से खुल जाते हैं और जब ये अच्छी तरह से खुल जाएंगे तो आपका जो मसल जब वर्कआउट के दौरान कॉन्ट्रैक्ट करोगे ना, तो ईजिली मतलब हो जाएगा, क्योंकि वो अच्छी तरह से वार्म हो चुका है मसल. मतलब आपके ग्लूट्स, आपके हैमस्ट्रिंग, आपकी लोअर बैक, आपके शोल्डर्स, आपके ट्रेपेजियस, आर्म्स, फोर आर्म्स, काफ मसल, नेक मसल, सारा मतलब आपने प्रॉपर तरीके से वार्म करना है. ठीक है, और जब आप एक्सरसाइज करोगे तो ब्लड का अच्छी तरह से सप्लाई होगा, ऑक्सीजन का अच्छी तरह से सप्लाई होगा बॉडी में, तो आपको ब्रेन भी अच्छी तरह से इंगेज करके रखेगा वर्कआउट में. तो इसलिए वार्म अप बहुत ज़रूरी है करना. और ये मैं कर रहा हूँ, ये वाली एक्सरसाइजेस ये आप कर सकते हो. ये कैट एंड काओ एक्सरसाइज है, इससे हमारी लोअर बैक अच्छी तरह से मतलब वार्म हो जाती है और जो हमारी डिस्क है जो लोअर बैक में नीचे, अच्छी तरह से वार्म हो जाती है ना. तो वार्म अप इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सारा एक्सरसाइज जितना भी वर्कआउट है इसी पे निर्भर है. मतलब किस तरह से आप वेट को फिर लिफ्ट करोगे अच्छी तरह से और अच्छी तरह से वेट को हिट कर पाओगे, ताकि मतलब अच्छी तरह से बॉडी वार्म हो रखी है, जॉइंट्स अच्छी तरह से वार्म हो रखे हैं, है ना. तो इसलिए वार्म अप ज़रूरी है. और मैं यहाँ पे फॉर्म रोलर भी यूज़ कर रहा हूँ अपनी लोअर बैक के लिए, क्योंकि आज बैक की एक्सरसाइज है. जो बैक हम करेंगे टारगेट, लोअर बैक करेंगे, मिड बैक करेंगे, और हैवी डे है थोड़ा सा, तो ये अच्छी तरह से खुल जाएगी, मतलब जो स्टीफनेस है वो चले जाएगी. तो हम सारा आज कंपाउंड हिट करेंगे, जो सारी जिसमें मल्टी जॉइंट्स जिसमें इंगेज होते हैं, मल्टी जॉइंट सारी एक्सरसाइजेस हैं. तो इसलिए वार्म अप बहुत ज़रूरी है. पहली एक्सरसाइज मैं करूँगा बेंट ओवर बारबेल रो, कंपाउंड मोमेंट है ये. और पहले उससे पहले मैं बेल्ट पहन रहा हूँ क्योंकि मेरा ये फोर्थ सेट है और चार सेट करने हैं आपको और 8 से 10 रैप लेने हैं आपको, मैक्सिमम 10 और मिनिमम 8. और ये कंपाउंड हिट है और इसका जो इफेक्ट आएगा मेरे लैटरल डोर्सी जो मसल है बारबेल रो का, जो मिडिल बैक और लोअर जो ट्रेपेजियस है मतलब उसमें, और रोम्बॉइड्स मसल भी हमारे जो बैक पीछे होते हैं, और थोड़ा सा पोस्टीरियर डेल्ट्स पे भी इसका इफेक्ट आएगा. और इसको बाद में फिर इसको बेल्ट को रिमूव करके तुरंत वहीं पे ऑन द स्पॉट कार्डियो की एक्सरसाइज करूँगा, जंपिंग जैक्स. ठीक है, और जंपिंग जैक्स जैसे मैं शुरू कर दूंगा, क्योंकि मेरा हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा और फैट बर्न होने में मेरे को अच्छी सी मतलब अच्छी सहायता मिलेगी इससे. ठीक है, इसको हेल्प मिलेगी आपको, क्योंकि आप ऑन द स्पॉट पर तुरंत कार्डियो करोगे तो जल्दी से जल्द फैट बर्न होगा. उसके बाद 30 सेकंड का रेस्ट लेंगे और 30 सेकंड बाद हम फिर दूसरी एक्सरसाइज पे चलेंगे. सेकेंड एक्सरसाइज मैं करूँगा सिंगल हैंड डंबल रो. सिंगल हैंड डंबल रो आपकी अपर बैक और जो बैक के आपके जो जो साइड का जो एरिया होता है और लोअर बैक जो ट्रेपेजियस मसल होते हैं हमारे और जो रोम्बॉइड मसल होते हैं बैक के पीछे, उस पर ये हिट करेगा. और बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है बैक की थिकनेस के लिए और वाइडर बैक के लिए मतलब.
और इसका जो सेकंड जो मतलब आपका जो यूज होएगा मसल, आपका कोर भी इससे अच्छा स्ट्रांग हो जाएगा। जब हम नीचे बैंड होके रो करते हैं तो हमारे कोर मसल भी जो एब्डोमिनल कोर है उसमें भी इसका वर्क करेगा। तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये, और इसके भी 3 सेट्स करने, 8 to 10 रैप्स। और जैसे ही सेट खत्म होता है उसके बाद मैंने यहाँ पे किया जंपिंग ऑन द स्पॉट, और जंपिंग ऑन द स्पॉट आप जब करोगे तो इससे भी बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है ये, क्योंकि हमें इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है और तुरंत कार्डियो को परफॉर्म करना है। तो ये वाली कार्डियो की एक्सरसाइज बीच में करनी है, 20 सेकेंड के लिए करनी है, उसके बाद 30 सेकेंड रेस्ट लेना है। और जैसे ही मैं ये अपना कार्डियो का जैसे सेट मैं ख़त्म करता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा अपना जो मेरे जो बैक है, जो बैक मसल्स हैं उनको मैं फ्लैक्स करता हूँ, है ना, बैक की मतलब पोजिंग करता हूँ थोड़ा सा, ताकि वहाँ ब्लड का अच्छी तरह से और ज़्यादा फ्लो हो, है ना, मसल अच्छी तरह से फटीग हो वहाँ पे। और बीच बीच में BCAA भी आप ले सकते हो, मैं BCAA यूज़ करूँ, ब्रांच ऑफ चेन ऑन एमिनो एसिड्स, ये आपकी मसल रिपेयरिंग में हेल्प करेगा। और अब मैं जो थर्ड जो एक्सरसाइज कर रहा हूँ वो है सीटेड केबल रो, अगेन जो हमारी स्कैपुला मसल होती है दोनों शोल्डर ब्लेड के नीचे और अपर बैक और मिडिल एंड लोअर बैक, इस पर ये हिट करेगी और बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, क्योंकि हमारा जो ट्रेपेजियस मसल होता है पूरा नेक के नीचे से और नीचे तक जाता है, लंबा मसल होता है काफ़ी। सो इसके भी मैं 3 सेट करूँगा, 8 to 10 रैप्स करूँगा, और उसके बाद मैं तुरंत जैसे ही अपना सेट ख़त्म होता है उसके बाद मैं करूँगा इंक्लाइन माउंटेन क्लाइंबर्स, ठीक है। इंक्लाइन माउंटेन क्लाइंबर्स बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है आपके ग्लूट्स के लिए, और आपके स्पेशली जो साइड में जो ऑब्लिक्स होते हैं आपके, जो मतलब जो एब्डोमिनल पोर्शन होता है उसको अच्छी तरह से मतलब ये हिट करता है। तो ये वाली एक्सरसाइज मैंने इसमें ली है और बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है ये। अब मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज करूँगा ट्रैप्स, और मतलब ट्रैप्स के लिए जो मैं एक्सरसाइज करूँगा डंबल शक्स करूँगा, और उसके साथ मैं शोल्डर टैप्स करूँगा कार्डियो की एक्सरसाइज, और मैंने डंबल स्पेस में लिए। डंबल शक्स बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, कंपाउंड मोमेंट है, और फुल रेंज ऑफ मोशन में आप जब शोल्डर ब्लेड को अपने ऊपर स्क्वीज करोगे और धीरे धीरे नीचे छोड़ोगे तो आपका जो है कि अपर ट्रैप्स जो ट्रेपेजियस मसल होता है और जो नेक के नीचे जो होते हैं अपने साइड में जो आपको जिसको कॉलर बोन कहते हैं, वो जिससे आपकी जो आप भी कपड़े पहनते हैं लुक बड़ी अच्छी आ जाती है शर्ट या टी शर्ट पहनते हैं, तो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है ये। और जैसे मैंने इसको डंबल को ड्रॉप किया उसके बाद मैं करूँगा शोल्डर टैप भी बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। शोल्डर टैप क्या है, जब मैं एक हाथ में जा रहा हूँ दूसरे से टैप कर रहा हूँ शोल्डर्स को, तो पूरी बॉडी का बैलेंस एक हाथ में है, तो हमारे जो कोर मसल बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं इसमें, और शोल्डर्स भी काम कर रहे हैं क्योंकि हमने अभी तुरंत ट्रैप्स की एक्सरसाइज की शक्स। तो इसके भी मैं 3 सेट करूँगा। आप कोई भी एक्सरसाइज कार्डियो की परफॉर्म कर सकते हो इसकी जगह, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं यही करनी है, बट करना ज़रूरी है। उसके बाद मैं थोड़ा सा फ्लैक्स करूँगा शोल्डर्स को, और आप देख सकते हो अच्छी तरह से पंप आ चुका है। अब मैं करूँगा बाइसेप्स में करूँगा स्टैंडिंग बाबल कर्ल्स, और स्टैंडिंग बाबल कर्ल्स बहुत ही अच्छी कंपाउंड मूवमेंट है, और आपके जो बाइसेप्स में जो ब्रकाय मसल और एज वेल जो होती है ब्रैकाइलिस, दोनों मसल को यूज़ में आता है। और इससे मतलब आपका क्या है कि बड़ा साइज मतलब अच्छी गेन हो जाएगा बाइसेप्स का, और ये मतलब डंबल कर्ल से भी अच्छा है क्योंकि इसमें हम हैवी वेट लिफ्ट कर सकते हैं दोनों हाथ से। सो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, और इसके साथ जैसे ही सेट ख़त्म होंगे इसके 3 सेट करने 8 से 10 रैप की रेंज में, और उसके बाद तुरंत हमें करना है इसके साथ डंबल स्विंग्स कार्डियो एक्सरसाइज है ये। और जब मैं इसको करूँगा तो मेरे पूरी होल बॉडी मतलब जो स्पेशली जो मेरा लोअर जो एब्स है और अपर एब्स हैं, जो एब्डोमिनल पोर्शन और साइड ऑब्लिक्स, साइड में जो वेस्ट है उसका, और ग्लूट्स मसल, हैमस्ट्रिंग मसल्स, शोल्डर मसल्स, फुल बॉडी मतलब ये वर्कआउट है मतलब कार्डियो का। तो ये वाली मोमेंट में फुल बॉडी यूज़ होती है, तो इसके भी 20 सेकेंड तक आपको करने हैं, और उसके बाद आप 30 सेकेंड रेस्ट लोगे, और ऐसे ही मतलब 3 सेट इसके करने हैं। सेकेंड एक्सरसाइज करूँगा मैं प्रीचर कर्ल्स, और मैं ईजर बार में इसमें लूँगा, और इसके भी 3 सेट करने 8 से 10 रैप,
और थोड़ा थोड़ा सा हर एक्सरसाइज में वेट बढ़ाना, और पीचर कर्ल्स जो हमारी एक्सरसाइज है इसका जो इफेक्ट है आर्म्स में, मतलब इसका लॉन्ग हेड पे जो बाइसेप्स ब्रैकाई मसल होता है लॉन्ग हेड पे इसका ज़्यादा यूज होता है, जो हमारे बाइसेप्स में होता है लॉन्ग हेड, एक होता है शॉर्ट हेड, एक होता है लॉन्ग। लॉन्ग हेड इससे अच्छी तरह से ट्रेन हो जाता है और फुल रेंज ऑफ मोशन में आपको ये वाली एक्सरसाइज लगानी है, स्क्वीज करना है मसल के ऊपर और धीरे धीरे छोड़ना है नीचे, झटके से नहीं छोड़ना है, इसमें झटके से छोड़ने से इंजरीज भी हो जाती है कभी कभार बाइसेप्स में, तो बहुत केयरफुली करना है आपको। और 8 से 10 रैप लेने, 3 सेट करने इसके, और जैसे ही आपकी ख़त्म होएगी उसके बाद आपको ऑन द स्पॉट पे तुरंत आपको कार्डियो एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। और कार्डियो में मैंने स्टेपर लिया है यहाँ पे सामने, मैंने देखो स्टेपर एक बॉक्स रखा हुआ है, आप स्टेपर भी यूज़ कर सकते हो, जिम में अधिकतर स्टेपर होते हैं, स्टेपर यूज़ कर सकते हो आप, बहुत अच्छी एक्सरसाइज हमारे ये लेग्स के लिए, लेग्स पे भी अच्छा, मतलब जो हमारे क्वाड्रिसेप्स मसल है उसमें इसका इफेक्ट आएगा, बहुत ही अच्छी कार्डियो मूवमेंट है ये। आप इसकी जगह कोई और एक्सरसाइज भी कर सकते हो, आप अपने आस पास में खड़े होकर, मतलब कहीं भी, मतलब आप माउंटेन क्लाइंबर्स भी कर सकते हो, अगेन जंपिंग भी कर सकते हो, अगेन रनिंग भी कर सकते हो ऑन द स्पॉट पे, कोई भी एक्सरसाइज आप इसकी जगह ले सकते हो। जैसे आपका सेट खत्म होता है आप फ्लेक्स जरूर करो बाइसेप्स का, क्योंकि छोटा मसल है, उसको स्क्वीज जैसे करोगे तो वहाँ पे ब्लड का अच्छी तरह से फ्लो हो जाएगा। अभी मैं जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करूँगा वो करूँगा रिवर्स ग्रिप केबल कर्ल्स, ये भी आर्म्स की एक्सरसाइज है बाइसेप्स की, और रिवर्स ग्रिप केबल कर्ल्स बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। और ये जो हमारी जो मतलब फोर आर्म्स जो मसल होता है, फोर आर्म्स पे इसका इफेक्ट आता है, और फोर आर्म्स के जस्ट उसके ऊपर मतलब ब्रकायर डायलिस एक करके मसल होती है, ये मसल जस्ट आपके फोर आर्म्स के ऊपर होती है जो बाइसेप्स का जो पार्ट होता है लोअर पार्ट, और बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है ये उसके लिए, फोर आर्म्स के लिए भी और बाइसेप्स के लोअर हेड के लिए भी, जो नीचे जहाँ से बाइसेप्स स्टार्ट होता है, तो इसके भी 3 सेट करने और 8 to 10 रैप्स की रेंज है, फिर थोड़ा थोड़ा आपको वेट इंक्रीज करना है। और इसके साथ मैं करूँगा प्लैंक जैक, मतलब प्लैंक जैक की एक्सरसाइज है, हमारे कोर मसल हमारे जो लोअर एब्डोमिनल को हीट करेगा और साथ ही साथ हमारे शोल्डर्स को मतलब अच्छी मतलब स्ट्रेंथ देगा, ठीक है। तो ये कार्डियो मोमेंट है, इसको भी 20 सेकेंड आपको परफॉर्म करना है, और जैसे ही ये ख़त्म होएगी उसके बाद आपको 30 सेकेंड रेस्ट लेना है, और उस बीच में आप थोड़ा सा वाटर इनटेक कर सकते हो या आपके पास BCAA है वो इनटेक कर सकते हो। तो गाइज वर्कआउट यहीं ख़त्म होता है, उसके बाद आप कूल डाउन ज़रूर करें, ये वाली एक्सरसाइज आप देख सकते हो। तो गाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, ये था हमारा बैक ट्रैप्स एंड बाइसेप्स का वर्कआउट, और नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, थैंक यू गाइज, स्टे ट्यून। Dreams and some modestness. I'm not here to save the day. That's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but